हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है हम उसमें मो पासपोर्ट का चैप्टर नंबर टू जो है हमारा वो वाला हम स्टार्ट करेंगे ठीक है एस यू ऑल नो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर वन है लव फ्रांस हमारा पूरा का पूरा जो है कम्प्लीट कर लिया था अब हमारी बारी आती है हमारी चैप्टर नंबर टू करने की बट बिफोर गोइंग टू दैट आई वाइक टू अनाउंस समथिंग की एज यू ऑल नो अभी रिसेंटली वी हैव फिनिश्ड आर कोर्स ऑफ ओशंते सो ओशते का कोर्स हमने फिनिश कर लिया है अब आप लोगों को मैंने आप एक चीज़ बताई थी कि जो ओशोन्ते की चैप्टर नंबर फाइव एंड सिक्स है वो मैंने अपलोड करे थे ऑन माई यूट्यूब चैनल बट अनफॉर्चुनेटली मे बी ड्यू टू समिच और समथिंग दे हैव बिन रिलेटेड सो आफ्टर वेन एवर आई विल गेट टाइम जब क्योंकि मैंने एक लिस्ट बना रखी है वेर आई एम कम्प्लीटिंग ऑल द कोर्स सो आई कंट इंटरप्ट मो पासपोर्ट कोर्स एंड अगेन स्टार्ट विद द ओशन थे सो दैट इज़ वाई आई थिंक जब हमारा मेनली सारा कोर्स जो कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं चैप्टर नंबर फाइव और सिक्स इफ़ आई गेट टाइम आई एम गन अपलोडिड बिकॉज एवरी थिंग इज नॉट लाइक जब कहीं तभी मिल जाए सो दैट इज वाई आई हैव टू गेट सम टाइम एंड देन आई ट्राई टू अपलोड बट पॉजिटिवली आपको वो मे बी एक वीक के अंदर हो सकता है आपको मिल जाए सो डोंट वरी अबाउट दैट अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर टू नाओ लेट्स स्टार्ट सो द चैप्टर नेम इज़ बोंजू बोंजू का मतलब होता है हमारा गुड मॉर्निंग और हेलो ठीक है सो so, बों का मतलब होता है हमारा गुड मॉर्निंग और हेलो राइट सो ये हम चैप्टर सीखेंगे चैप्टर नंबर टू नाओ लेट्स जस्ट रीड दीज थिंग्स Céline, Céline is a girl's name. She says, Salut means hello. Okay. So, Luis, this boy, he says, hello. Céline, Como means how are you. Komo ka hota hai, how are you. Luis, Luis, he says, Sava bien, et toi? means I am good, thank you, and you. Sava Messi means I am also good, thank you. Au revoir, à means bye-bye and see you later. और वोआ बों means bye बाय हैव अ नाइस डे ठीक है सो so, बेसिकली इस चैप्टर में हमारी ऐसी ही टाइप की जो है हम ग्रीटिंग सीखेंगे ठीक है आपको इस वर्ड बोंं से ही पता चल गया होगा अब जे हमारे पास देखो इनके वर्ड मीनिंग्स भी देखे सारियों मीन्स आए कोमोसावा मीन्स हाउ आर यू ओनली टू अ फ्रेंड मीन्स इन फॉर्मली कोमोसावा इज़ यूज इन एन इन फॉर्मल केस ओनली सवा बी एम एस सी मीन्स आई एम फाइन थैंक यू इत आ मीन्स एंड यू इन फॉर्मल केस ठीक है सो एज वी ऑल नो कि फ्रेंच के अंदर जितनी भी हमारी ग्रीटिंग्स होती है दे आर डिवाइडेड इंटू टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ठीक है सो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दिस इज फॉर इनफॉर्मल एंड दिस इज फॉर फॉर्मल सो इनमें जो होती है हमारी ग्रीटिंग्स जो है वो डिवाइड होती है राइट एथुआ एथुआ मीन्स एंड यू और वा मीन्स गुड बाय अब यान तो मीन्स यू सूम और सी यू लेटर बोन शूड ने मीन्स हैव अ गुड डे ठीक है अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वर्जेशन पर दैट इज़ बिटवीन अ फॉर्मल पर्सन मीन्स एक फॉर्मल पर्सन से अब ये तो थी हमारी फ्रेंड इसके साथ अब आती है हमारी एक फॉर्मल कन्वर्जेशन ठीक है देखो एक टीचर है एक लड़की है एलिना हु इज डिस्कसिंग समथिंग हु इज़ टॉकिंग टू हर टीचर सो लेट्स सी वडर शी से एलिना शी सेज बॉन्आ मदाम मीन्स गुड इवनिंग मैम मदाम ब्लॉन्क सो दिस इज द नेम ऑफ द टीचर मदाम दिस वन शी सेज़ बोसुआर एलिना शी सेज़ को मुताेवु नाव नोट द डिफ्रेंस फ्रेंड के साथ जब हमने इनफॉर्मली बात करी तब हमने पूछा कोमोसावा अब एक टीचर के साथ करी तब हमने कहा को मुतालिबू मीन्स को मुसावा फॉर इन्फॉर्मल एंड कोमोतलिबू फॉर फॉर्मल नाव Je vais bien merci. Et toi? Now, Madame Long, she says, "I am doing good. And thank you. And you?" Je vais bien merci means I am also doing good. Au revoir, demain, means bye bye. And see you tomorrow. Au revoir means bye bye. Bonsoir means have a nice evening. Okay? Humare, humare next page. Par. This is again a conversation with us. So let's just read it. शी शीशेज बोंजू मीन्स गुड मॉर्निंग और हेलो ठीक है गुड मॉर्निंग भी होता है बोंजू का मीनिंग एंड हेलो भी होता है हेलो कब होता है जब हम फॉर्मली बात कर रहे होते हैं एंड साल्यू जब होता है जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं दोनों का मतलब मीन्स बोंजूर और साल्यू का मतलब हेलो होता है बट बोंजूर इज इन द केस ऑफ फॉर्मल एंड साल्यू इन द केस ऑफ़ इनफॉर्मल ठीक है आई होप आपको डिफ्रेंस समझ में आ गया हो नाओ मदाम का Bonjour, je m'appelle Louis Caron. Comment tu t'appelles? Means hello. Yeah, good morning. My name is Louis Caron. What is your name? Céline. She says, je m'appelle Céline. Means my name is Céline. Madame Caron. She says, Monsieur. Comment vous appelez-vous? Means Mister or Sir. Monsieur ka Mister or Sir. What is your name? Monsieur Girard. He says, je m'appelle André Girard. My name is André Girard. मदाम कॉन्ज और सुनते मीन्स नाइस टू मीट यू एंड ही ऑल्सो सेज नाइस टू मीट यू राइट ये हम पढ़ते हैं यूज सी कोमोसावा कोमोसावा एज वी ऑल नो इट इज यूज इन द केस ऑफ इनफॉर्मल इनफॉर्मल के लिए अगर हम पूछें हाउ वेल यू सो हम कहते हैं कोमोसावा वैसे ही अगर हम फॉर्मल के लिए पूछें तब हम कहते हैं वो ठीक है सो so, कोमो सावा का रिप्लाई करने के लिए यू कैन से सावा मींस आप ठीक हो ठीक है आप कह सकते हो या मीन्स आप बहुत अच्छे हो साले वापा मीन्स आप ठीक ठाक हो ना ज़्यादा अच्छे हो ना ज़्यादा बुरे हो सावा माल मीन्स आप बुरे हो ठीक है आप अच्छा फील नहीं कर रहे आज के दिन राइट आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो राइट यू कैन रीड द वोकेबलरी फ्रॉम हेयर ऑल्सो क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू जब हमने चैप्टर नंबर जो वन करा था कि मोस्ट पासपोर्ट के अंदर ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम हमारी वोकेबलरी उसके नीचे लिखी होती है राइट right? अब आ जाते हैं हम हमारी ले सैल्यूटेशन पर ले सैल्यूटेशन मीन्स दी ग्रीटिंग्स राइट सो ग्रीटिंग्स हमारी बेस्ड होती हैं सी आप लोग अपनी टीचर को क्या क्या कहते हो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून राइट सो ये सारी क्या होती हैं हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब हमारी माता हो रखी होती है ल माता मीन्स द मॉर्निंग तो हम विश करते हैं बोंजूर विच मीन्स गुड मॉर्निंग ओके जब हमारी आफ्टरनून हो रखी होती हैं विच इज बोंमि सॉरी आपदी अप्रे के वक्त आप तब भी अपने के वक्त भी आप बोंजूर विश कर सकते हो बट मोस्ट प्रोबेबली आप विश करते हो बों आप विच इज गुड आफ्टरनून आप कई बार बोंजूर भी विश कर देते हो दैट्स नॉट जस्ट दैट केस लसुआर मीन्स इवनिंग के टाइम पर आप विश करते हो बोन् विच मीन्स गुड इवनिंग ओके एंड नुइंग नुई मीन्स नाइट नाइट के टाइम पर आप विश करते हो बोन नुइंग ठीक है एज यू कैन सी योर है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पेज वी हैव फॉर ग्रामर ग्रामर का टॉपिक है फॉर्मल और इनफॉर्मल इन फ्रेंच देर आर टू वेज़ ऑफ एड्रेसिंग मैंने आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी कि फ्रेंच के अंदर हमारे दो वेज होते हैं एक नाउन को एड्रेस करने के द फर्स्ट इज़ फॉर्मल एंड द सेकेंड इज़ इनफॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच इज़ यूज टू एड्रेस द फ्रेंड्स फैमिली एंड द यंगर फ्रेंड्स जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हो फॉर्मल स्पीच इज यूज टू एड्रिट अडर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है सो दैट इज द फॉर्मल स्पीच नाउर टू अ फ्रेंड ठीक है टू अ फ्रेंड की बात करें तो आप बेसिकली क्या कहते हो आप लोग सैल्यू कहते हो एंड वही बात करें वो केस में मीन्स फॉर्मल के केस में यू से बोशूर वैसे ही अगर आप हाउ आर यू पूछते हो किसी इनफॉर्मल पर्सन से तो आपको कहते हो कोमोसावा और कई बार आप सावा भी कह देते हो सिंपली एंड बट जब आप फॉर्मल के केस में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कोमो तालेवो ठीक है वैसे ही अगर हम किसी का नाम पूछ रहे हैं इनफॉर्मली हम कहेंगे कोमोच तपेल एंड फॉर्मली हम कहेंगे कोमो वु ठीक है नाउ अब बात आती है टू विश विश की अगर हम बात करें सो so, आप लोग सैल्यू बू बुआ बोनुई ये हमारी विशेज़ होती है, hello, hello, evening, is, ask, हैं ठीक है सैल्यू मीन्स हेलो बोंशु मीन्स हेलो और गुड मॉर्निंग बोंसुआ मीन्स गुड इवनिंग एंड बोन्युई मीन्स गुड नाइट टू हास्क हाउ वन इज यू आस्क सावा उसका रिप्लाई सावा भिया में भिया सी जबे बिया बट एक चीज़ आप लोग याद रखो जब भी आपसे कोमो वो पूछा जाए तब हमेशा आप आले वो भी यूज़ करके अपना हाल चाल बताते हो यू कह सिंपली से सावा बियाँ अगर आप लोगों से कोई ताले वो करके कह रहा है तो मीन्स ही शोइंग ही और दु और शी शोइंग रिस्पेक्ट टूवर्ड्स यू क्योंकि सावा तो हमारा हो गया इनफॉर्मल ये भी इनफॉर्मल एंड कोमो ट यू कोमो जो कोमो तालेवु है वो हो गया हमारा क्या फॉर्मल तो so, जब भी कोमो तालेवु को आप से पूछो तो आप हमेशा कहोगे जे वे बी एस सी इट शोज कि आप उसको रिस्पेक्ट से आंसर दे रहे हो ठीक है नाउ टू आस सम नेम यू से कोमो चू तपल फॉर द इनफॉर्मल एंड कोमो वो जपले वो फॉर द फॉर्मल टू टेक अ लीव नाउ टू टेक अ लीव वट डू यू बेसिकली से यू से ओर वो आर आदमा अबियांतो और मीन्स बाय आदमा मीन्स यू टू मोरो अबियांतो मीन्स सी यू सून बोन जुड़ने मीन्स हैव अस डे बोन् मीन्स हैवे नाइस इवनिंग बो अपने मिडे मीन्स गुड आफ्टरनून ठीक है सो ये था जो छो, हमारा छोटा सा चैप्टर अब इसकी एक्सरसाइज जो है हमारी हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं ईच एंड एवरी पार्ट आई एम गोन शो यू नाउर टू क्वेश्चन नाव अगर डायलॉग नंबर वन की हम बात करें सो so ए ए हमारा पर्सन है सो बेसिकली सैलियू का कोई कैसे रिप्लाई कर सकता है ही वुड से सैल्यूनली ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ से आप लोग गेस्ट कर सकते हो कि ये हमारा क्या पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है ओके सो so, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन सो so, क्या क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर हमें मिला है सावा बियाम से सो so, ऑब्वियसली पूछा होगा कोमोसावा ठीक है सो so, यहाँ पर हमारा इस वाली प्लेस पर आएगा कोमोसावा सब क्या रिप्लाई आएगा में मेस्सी ठीक है ये सेम रिप्लाई आएगा कि मैं भी ठीक हूँ और, और रिप्लाई आप कुछ भी कह सकते हो आप यान तो भी कह सकते हो और और वार भी कह सकते हो तो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग इट डिपेंड्स ऑन योर अटेंशन हाउ मच यू आर पेंग अटेंशन ठीक है अब आप लोग अगले डायलॉग को देख कर गेस कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा सो दैट्स ऑल ठीक है बी अगेन ही सेज बों ना उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर ए ने दिया ए तुआ। तो क्या क्वेश्चन पूछा होगा ऑब्वियसली ये पूछा होगा कि आपका नाम क्या है सो कोमो वो जाप्लेव ठीक है देखो बोंजूर यूज हुआ है तो इसलिए हम कोमो वो जाप्लेवु करेंगे कोमो सवन नहीं कर सकते ना हो बी ए ने कहा जमापेल लुइस एतुआ मीन्स माई नेम इज लुस एंड अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो जो मा पेल डैश 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 किसी का भी नाम फिलिप जैक सैम एनी नेम ठीक है एंड आखिर में ऑब्वियसली और वार ही कहोगे आप लोग ठीक है सो so, ये ऐसे होगा राइट आई होप आपको समझ में आ गया हो आते हैं ये डायलॉग नंबर थ्री पर विच यू ऑल आर गोना डू योर सेल्फ

कोमो तालेवू वॉट इज योअर नेम अगेन फॉर द फॉर्मल सो दिस इज गोन अभी कोमो वू जापलेवू माई नेम इज माई मीन्स युमा पेल ठीक है अब यहाँ पर कोई नाम नहीं देख रहे हो स्पेसिफिकली सो जहाँ पर नाम आएगा वो पॉइंट वहां पर भी आप ऐसे पॉइंट ही लगा दोगे सी यू टूमोरो मीन्स आदमा इन फ्रेंच सी यू सून मीन्स अब यान तो ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू इज द सेम सो इट इज गोन अभी ओन शो थे what is your name for the informal that is going to be komochita i am fine thank you means in french it is going to be je vais bien merci coming to question number three सो इट इज एप्ले आई मीन्स स्पेल करेक्टली सो अभी हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है जस्ट लेट्स जस्ट डू इट सो वी हैव टू स्पेल दैम करेक्टली अब आप लोगों को इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से वर्ड हैं इनके आप प्री पीछे चैप्टर पीछे अपने पेज करके देखो बेशक स्पेलिंग बट आपको इनको करेक्ट करना है एंड यू आर गो नो डू इट योअर सेल्फ इतना बड़ा चैप्टर नहीं था ये ग्रीटिंग्स का वैसे बहुत बड़ा होता है चैप्टर बट टोटल इसमें मेनली थ्री ही पेजेस थे बहुत कम पेजेस थे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था सो यू कैन डू दिस योर ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज करेक्ट द मिस्टेक्स नाउ यू हैव टू को रिजिले फोर्थ मीन्स करेक्ट द मिस्टेक्स सो इट्स इज कोमो वू आप जैपेल वू नाओ यहाँ पर क्या मिस्टेक है दैट इज आप नहीं आएगा यहाँ पर यहाँ पर हमारा आएगा आपले पीछे क्या आएगा z आएगा क्योंकि आपले वर्ब की वो के साथ अलग कॉन्जुकेशन होती है ना हो नेक्स्ट कोमो आले ट्यू ये हमारा रोंग है क्योंकि कोमो आले का हमारा वू के साथ होता है तो ट्यू की जगह हमारा यहाँ पर वो आएगा ये भी बिया बियाँ की हमारे यहाँ पर स्पेलिंग रोंग है बी आई ई एन आएगा कोमोच्यूतापेल में यहाँ पर पीछे एस आएगा यम पेल, यम पेल में यहाँ पर पीछे ऐसा आएगा ना कि आपको समझ में आ गया वो अब आते हैं इस एक्टिविटी पर इट इज एक्टिविटी ये एक्टिविटी हमारी कहती है फाइंड इन द ग्रिल दर्ड्स ऑफ सैल्यूटेशन गिवन बिलो एंड राइट देस इन द स्पेस प्रोवाइडेड सो बेसिकली सॉरी सो बेसिकली यू कुड सी योर हेयर हमारे पास सी यहाँ पर हमारे पास सैल्यूटेशन दे रखे हैं देखो हिंट भी दे रखी है ये सैल्यूटेशंस है ये ही हमें इस ग्रिल में से फाइंड आउट करनी है एंड फिर जब हमें मिल जाए देन वी हैव टू राइट इट्स इंग्लिश मीनिंग इन देस प्रोवाइडेड ठीक है सो फर्स्ट इज हमारा अबियंतो अभियांतो आप लोग इसमें से फाइंड आउट करोगे एंड देन यू आर गोन राइट इट्स मीनिंग अभियांतो का मतलब क्या होता है सी यू सोन ठीक है नेक्स्ट हमारा ओर अखबार विच यू आर गोना फाइंड एंड ओर अखबार का मतलब होता है बाय या गुड बाय बायसुआर बोनसुआर मीन्स गुड इवनिंग तो मैं आपको बेसिकली मीनिंग बता देती हूँ ग्रिल में से तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लोगे उसको ठीक है मुन्सियर मुन्सियर मीन्स सर और मिस्टर जो कि देखो यू कुछ सी अभी अभी मुझे स्पॉट हुआ है मुंशियर इज ओवर हेयर राइट देन है हमारा बोन सुरे मींस मीन्स है गुड इवनिंग ठीक है नेक्स्ट है हमारा माधो मुआ ठीक है क्या है हमारा माधो मुआ विच इज ओवर हियर यू कुड सी लेट मी जस्ट चेंज इट्स कलर एंड देन ये रहा हमारा माधो मुआजेल ठीक है एक देखो ये है मिल गया हमें हमारा मोन से दीज आई एम स्पोर्टिंग राइट नाउ ठीक है अभी अभी स्पॉट रही हूँ सो डोंट थिंक मेरे को मिल नहीं रहे हेयर इज़ आर सैल्यू जो कि आगे आएगा ये रहा हमारा बोन एंड ये रहा हमारा बोन सुवर न फाइंड योर सेल्फ अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं सो माधुमोज मीन्स मिसेज सैल्यू यू मीन्स हेलो बोन शो मीन्स हेलो और गुड मॉर्निंग ठीक है सो ये थी हमारी एक्टिविटी नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर फोर एक्टिविटी फोर यू आर गोनाट डू इट योर सेल्फ एंड आई होप आप लोग ये कर पाओगे क्योंकि इसके ऊपर हमने खुद एक टॉपिक किया था एंड ये क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो यू आर गोन टू इट योर सेल्फ सो so, यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल